इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलना, क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश है। जी, मैं जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल बोल रहा हूँ। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका और हमारी तो आपसे, हमें लग रहा है इतने 15-20 वर्षों में एक आध बार ही कभी बात हुई होगी। जी हाँ, कभी कभार हो जाती है मतलब। अब लगता है कि आप कारोबार में व्यस्त रहते हैं कि आपको दिन के वक्त समय नहीं मिल पाता होगा। नहीं, फोन लगाते हैं लेकिन लगता ही नहीं। और नहीं, आज भी जो 52 पे आपका फोन लगा है तो 52 अचानक से बार बार रुक जा रहा है, तो इससे पहले कि ये कभी कट भी सकता है, आप फिल्म का नाम हमें बता दें। फिल्म का नाम है यादगार, लता जी की आवाज में है, जिस पथ पर चला जाने के बोल रहे हैं। अब बता दें कि जमानिया में मौसम कैसा है और आपका काम काज कैसा चल रहा है? जमानिया का मौसम तो इस समय सुहावना है, बदली छाई हुई है जी, ठंडी हवा भी चल रही है। अब मौसम का कारोबार तो इस समय मंदा चल रहा है और हर जगह थोड़ा सा पहले के मुकाबले बहुत तब्दीलियां आई हैं। जमानिया में हमें लग रहा है कि हम करीब 25-30 साल पहले कभी गए होंगे, जब सिर्फ एक रेलवे स्टेशन और एक ही बाजार हुआ करता था। जी हाँ, तो वही बस वही रेलवे स्टेशन के ठीक सामने, मतलब 1995 में टकरा बना था। जी जी, जलांजी का उसी में नीचे दुकान है। जी जी, और अब तो एक अरसा हो गया आपका रेडियो से जुड़े हुए, तमाम दशक और दौर आपने देखे हैं रेडियो के। जी हाँ, 1978 से मई 1978 से मतलब रेडियो जुड़ा हुआ। और आपकी आने वाली जो पीढ़ियां, आपके परिवार में बच्चे हैं, वो भी प्रोग्राम वगैरह सुनते पसंद करते हैं या फिर नए दौर में हो गए हैं वो? नहीं, वो नए दौर में है, प्रोग्राम तो हम ही सुनते हैं, जब घर पर बजाते हैं रेडियो तो वो भी साथ में सुनते हैं। हाँ। नहीं तो पढ़े लिखे बच्चे अब कहाँ सुन रहे हैं। जी जी जी, बीटेक किया ग्रेटर नोएडा से। देखिए, एसएससी सीजीएल का निकला हुआ है, उसका देखिए रिजल्ट आने वाला है, अगर आ जाता तो मतलब हो जाएगा। जी जी जी, तो अच्छा है। और कभी दूर दराज जाना होता है कि नहीं, घूमने फिरने के हिसाब से? वही जाते हैं कभी, जो जमशेदपुर जाते हैं, लड़की के यहाँ लड़की का किया है तो वहीं पे जाते हैं साल में। इसीलिए आपके नाम गम्हरिया और कदमा वगैरह के आते हैं, जहाँ पे हम चुकी रहे हैं तो हमें वहाँ के जगहों के नाम और कहाँ है क्या है पता। हाँ, आप तो रहे हैं वहाँ पर शुरू में, इसलिए बहुत से लोग वहाँ की चीजों के उच्चारण ठीक नहीं कर पाते हैं कि वहाँ जैसे जुगसलाई, मानगो, कदमा, गम्हरिया, ये सब जगह है। हाँ, तो लोग समझ नहीं पाते हैं वहाँ। जी, रामनगर का सोनारी में मेरे मामा रहते हैं वहाँ पर। जी 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 जी, और गम्हरिया में मेरी लड़की है। जमशेदपुर तो वो जगह है जो अभी जितना विकास इन इलाकों में आपको इधर नहीं दिखता, वो चीजें वहाँ 30 साल पहले ही हुआ करती थी। जी हाँ, मैं 1999 में गया था, मतलब उसमें शुरू शुरू पहले जब पहली बार गया था। जी जी, उसमें उतना विकास नहीं था जितना अब हो चुका है। तो घूमता हूँ मतलब हर जगह पर जाके, मतलब अपना घूम लेता हूँ। हाँ, ये भी एक घूमना फिरना है कि रिश्तेदारी अगर दूर दूर हो, बाल बच्चे हों अलग और दूर दूर रह रहे हों अपने अपने जगहों पर, तो आदमी उसी बहाने उन शहरों से भी घूमना फिरना वाबस्तगी हो जाती है। और विविध भारती के कार्यक्रम तो बहुत बदले हैं मुंबई के, खास तौर से श्रोताओं की क्या प्रतिक्रिया है उन पर? मुंबई का प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है इस समय, पहले जैसा एक जैसे सुव्यवस्थित और एक थोड़ा सा कायदे से कि कब क्या हो ये पता रहे, ये थोड़ा सा ये पता नहीं है इस समय। तो आप लोग इस बारे में वहाँ के केंद्रों को कुछ लिखते पढ़ते नहीं है? नहीं, लिखते हैं लेकिन शामिल नहीं होता, कभी पत्रालय में डालते हैं हम लोग लेकिन शामिल नहीं हो पाता वहाँ। काफी कुछ बदल गया, वही मैं जानना चाह रहा था कि श्रोता कैसे उसको ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को भी थोड़ा जो आप कह रहे हैं वही बात इधर भी है। अब भारतीय के श्रोता इसमें प्राइवेट चैनलों से बहुत ज्यादा जुड़ गए। जी 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 जी, जैसे रेडियो मनभावन हुआ, फेसबुक पर चलता है और सभी, बहुत से मतलब है, बहुत से श्रोता पुराने भारतीय के श्रोता बहुत उसी को सुन रहे हैं। जी जी जी,
और पुराने जो पेश करने वाले लोग थे वो भी अब नाम भी नहीं रहे वहाँ पर। जी हाँ, अब नाम भी नहीं रहे, नए लोग हैं, नए अपने स्टाइल में। कितने ऐसे लोग हैं जो नाम उच्चारण नहीं, मतलब जगह का नाम ले पाते। जी जी, हम भी देख रहे हैं, हम भी सुनते हैं, तो पता चल रहा है। तो खैर चलिए, तो अब यादगार फिल्म का गीत आपको सुनवा दे रहे हैं, विविध भारती के वो जो सुनहरे दिन, वो यादगार ही है एक तरह से हम सब के। जी, 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 और हम तो चूंकि रहे हैं वहाँ पर और उससे जुड़ाव है, तो एक दौर रहा है विविध भारती और आकाशवाणी का, और बहुत पुरानी यादें हैं, बहुत कुछ चीजें हैं। पहले जितने भी मतलब थे, जितने भी पुराने थे, जैसे आप ही चंद्रबाबा, जी जी, जैसे सरयू दुबे जी थे, मोहम्मद सलीम राय जी थे, और हम भी जब विविध भारती में थे उस समय कमल शर्मा थे, अहमद वसी थे, और रेणु जी थी, आशा साहनी थी। आशा साहनी वो लोग मतलब नाम था उन लोगों का, मतलब जो प्रोग्राम पेश करते थे तो सुनने में दिल लगता। देखिए प्रेजेंटर की जो खासियत है ना, कि वो किसी से बात करे या उसके अनाउंसमेंट करे तो उसको लगे कि ये हमारा अपना आदमी है, अपनापन की भावना आनी चाहिए। सामने रूबरू बात कर रहे हैं मतलब। ये बनावटीपन या नाटकीयता या बहुत ज्यादा स्टाइलिश या स्पीडी होना, वो बहुत देर तक नहीं टिकता है। नहीं टिकता। जो ठहराव लगाव है वही टिकाऊ होता है। और सुरेश जी, यादगार फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। उस पथ में मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। उस पथ पे मुझे, जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पे
कार्यक्रम। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो फरमाइश, मैं नई सड़क वाराणसी से साहिद सज्जू बोल रहा हूँ सर। नमस्ते और स्वागत है आपका। जी। तो काफी उमस भरा मौसम है, अब लगता है जब जाड़ों के दिन आएंगे, गुलाबी ठंड आएगी अक्टूबर नवंबर में, तभी कुछ राहत मिलेगी अब बनारस को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। हाँ, कल हमने ना वो वैक्सीन लगवा लिया। क्या कहने, बहुत बधाई। हम यही कहेंगे कि लोग प्रेरित हों आपसे और हमें जरूर बताएं जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया। क्योंकि जी, मेरी पत्नी ने और मेरे घर के परिवार के सभी लोगों ने लगा लिया। जी जी, बहुत जरूरी। और देखिए, जब से थोड़ा सा टीकाकरण हो रहा है और जोर पकड़ा है, तब से कोरोना की रफ्तार कुछ कम हुई है, थमी है। सतर्कता जरूरी है, लेकिन टीकाकरण तो उससे भी ज्यादा बेहद जरूरी है। जी सर, आप लोग कहते रहे, आप लोग की बात सर आंखों पे, जरूर आपकी बात नहीं, मैं जरूर लगवाया। हाँ, करोड़ों लोग देखिए दुनिया में टीका लगवा रहे हैं और एक उससे एक सिस्टम बन जा रहा है, कवच एक तरह से कहें कि समाज में एक विकसित हो रहा है, तो अच्छी बात है। हम सबको भी उसमें साथ देना चाहिए। कोई भी व्यवस्था, जैसे सिर्फ आदमी चाहे कि शासन प्रशासन या सरकार के द्वारा हो, तो जब तक आप उसमें खुद सहभागिता नहीं करेंगे, सरकार सड़क बना देती है लेकिन उसका रख रखाव, देख रेख और सही उपयोग, ये तो आम जनता के हाथ में है। बहुत सही बात कह रहे हैं, बहुत सही है, ये तो जनता को समझना है, सही बात है। जी जी, वो दौर गया जबकि एक दिन और चर्चा हो रही थी कि लोग रेलवे के पंखे और बल्ब उखाड़ ले जाया करते थे। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ गई है लोगों को कि ये पंखा और जो बल्ब है वो भी हमारे ही आयकर से है और हमारे लिए ही बनाया गया है, तो ये ठीक रहे। तो अगली बार हम आएंगे तो उसका हवा हमें ही मिलेगा, नहीं तो अगली बार ये पंखे नहीं नसीब होंगे। जी सर, बिल्कुल सही, बहुत सही बात कह रहे सर, बहुत बढ़िया बात है। और मित्रों के हाल चाल आपके ठीक है, मुलाकात बात होती है? अरे हाँ हाँ सर, हाँ सर, बहुत हमारे दोस्तों से बात होती है, बहुत बढ़िया होती है बात। सब बढ़िया है, सब अच्छे तरीके हैं, बस आप लोग भी इधर है। और कौन सा गीत अब सुनवा दें शाहिद जी? हाँ, एक फिल्म आई थी राजमहल, गाना है उसमें, गाना है मेरे प्यार की आवाज से चली आना, फिल्म का नाम है राजमहल। खन्ना नीतू सिंह है सर। जी जी, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर। रिकॉर्डिंग ना करते हैं ऑडियो, इसलिए जानते हैं गाने की बोल क्या होना चाहिए क्या। हाँ हाँ, अभी एक आध श्रोता बोल बता रहे थे, बीच से कुछ बताते हैं लाइनें तो वो समझ में नहीं आती है। हाँ, बदला देते ना, थोड़ा काम गड़बड़ा जाता है। हाँ हाँ, उससे गीत रिकॉर्डिंग करते हैं सर, बिल्कुल शुरू जो लिखा रहता है वही बदलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि 25-30 लाइनें होती हैं गाने में और हर लाइन आदमी याद रखे या फिर उससे पता चले मुश्किल होता है। बीच की बदला देते ना तो आदमी गड़बड़ा जाता है। हाँ हाँ, मुखड़े के बोल बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो एकदम शुरू की लाइन बताना शाहिद जी, हम आपको ये गीत सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर। शुक्रिया, ठीक है सर, नमस्कार सर। प्यार की आवाज पे चली आना, ओ चली आना, मेरे प्यार की आवाज पे चली आना, ओ चली आना। चली आना, ओ चली आना। देखो मौसम गहरा गहरा है, देखो मौसम गहरा गहरा है, और शाम का रंग सुनहरा है। आओ हम दोनों छुप जाएं, प्यार की दुनिया में खो जाएं, आओ हम दोनों छुप जाएं,
दुनिया में खो जाए, चली आना ओ चली आना, मेरे प्यार की आवाज पे चली आना ओ चली आना। बांध के तुझको बाहों में रख लूं आज निगाहों में, बांध के तुझको बाहों में रख लूं आज निगाहों में, तो ये वादा करो, तो ये वादा करो मुझको कभी ना भुलाना, मेरे प्यार की आवाज पे चली आना ओ चली आना। आवाज पे चली आना ओ चली आना। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश, स्वागत है आपका हमारे हमारे मोबाइल नंबर पर। तो अच्छा है कि हम लोगों का नंबर तो सभी लोग जानते हैं, जब आपने अपने मोबाइल नंबर पे कहा कि स्वागत है तो अपना मोबाइल नंबर भी आप बोल देते असगर जी। कि मैं हूं असगर अली शिवपुर से और आपने हमारे मोबाइल नंबर से आप संपर्क से जुड़े हुए। तो क्या बोलते हैं और असगर जी, पिछली दफे आपने कहा कि आपकी मैडम को भी गीत पसंद आए इसलिए थोड़ा सा गीत हमने उसका मूड बदल दिया था। वो जो है ना लम्बा लम्बा भैया जी, इतनी ये प्राइवेट बोला, ये बहुत लम्बा लम्बा, दो आदमी बहुत लम्बा खींच देते हैं, बहुत ज्यादा लम्बा खींच देते हैं। उसमें एक असगर जी भी हैं क्या? नहीं नहीं, हम अपना परिचय देने में, हम तो परिचय देते ही नहीं, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। ये तो हम भी कहते हैं, ये तो सही बात है। वैसे हम ही आपको बता देते हैं, दो बार देखिए हम बोल चुके हैं कि असगर अली हैं शिवपुर से। बिल्कुल, तो अब जो सब लोग जानता है कि कौन कोटवा से बोला है, कौन जो कंगूरे वाले मस्जिद से बोल रहा है, कुछ लोग जो है जो वो लोग गाना का पूरा गाना बोल देते हैं, किसी को पसंद आए चाहे ना आए, पूरा गाना पसंद करके खत्म कर दिया टाइम, फिर उसके बाद के गाने की बोल बताना तो उसमें भी अलाप रहे हो। यहाँ तक कि लता मंगेशकर का भी आवाज अपने ही भाषा में बोलते जा रहे हो, क्या कहने। अरे केवल दूसरे को मारते हो यार, क्यों दूसरे को बोर करते हैं आप जो है ना, आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है, आप जो है बहुत चाहते हैं। तो आप देखिए कि शिकायत या कोई शिकवा हम आपसे भी कभी नहीं करते हैं, शेयर शायरी करते हुए लोगों को बड़ा मजा आता है। और देखिए हम कभी नहीं करते हैं, शेयर शायरी करना आसान काम नहीं है। तो चलिए आपका मेरे ख्याल से ये फोन इन फरमाइश का पत्रोत्तर की तरह हो जाता है, आप श्रोताओं को सबक सिखा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों अपने आवाज को रफी साहब मत बने यार, और लता जी का आवाज क्यों गा रहे हो। अब बता दें असगर जी की कौन सा गीत हम सुनवा दें आपको। वही अपने पसंद का। दूसरे श्रोता वेट करते होंगे, आइए गीत सुनते हैं आपकी पसंद पर। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया मिट्टी से खेलते हो बार।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं सुरेश कुमार बोल रहा हूँ। कैसे हैं सुरेश जी, और कौन सी जगह से आप बात कर रहे हैं? मैं अशोक नगर कॉलोनी से, सूरज कुमार। सूरज कुमार, वही मैंने कहा कि हमें लगा। आपने इतनी शाइस्तगी से बोला ना, लगता है गर्मी और उमस का असर है थोड़ा थोड़ा। जी, और बारिश हो रही है, लेकिन उसके बाद जब धूप हो रही है तो बहुत कड़ाके की धूप है। जी, उससे शीत गर्म से बुखार भी आ जा रहा है कभी कभी। ये तो है कि थोड़ी सी धूप बहुत तेज लग रही है, और जरा सी भी देर अगर आदमी सड़क पे या बाहर किसी काम से है तो ये बुखार को न्योता की तरह ही है। लेकिन जरूरी काम हो तो भाई बाहर निकलना ही है। और कैसे हैं, कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं, कब सुन पाते हैं आप कार्यक्रमों को? इस समय तो हम रोज ही सुन पाते हैं, लग रहा है, चल रहा है। बिल्कुल। और कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें आज इस कार्यक्रम में? आज तो सत्यम शिवम सुंदरम का सुनवा दीजिए, एसएमती मैया से बोले नंदलाल जी। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सूरज जी, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार सर। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी तो कमाल हो गया, बिल्कुल यही तो मैं पूछा करता था। अच्छा तो मैया क्या जवाब देती थी? बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। मैं
जान गए राधा रानी, बड़ी चालाक हो, किस सफाई से बात टाल गई। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ सर जी नमस्ते। नमस्ते जी, मौनी बात हम चौचकपुर घाट जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी बोल रहा हूँ सर। राम सकल जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपके इलाके में, आसपास क्या बाढ़ जैसे हालात थे अब कैसे हैं? जी सर पहले पानी बढ़ा था, इस समय घट गए है गंगा माँ। जी जी अब तो जैसे बहुत तेज उधर बारिश हो रही थी, अब बरसात कम हो गई है और उमस गर्मी बढ़ गई है। जी सर सामान्य हो गया है सर। तो कारोबार से ही वाबस्तगी या फिर कुछ खेती बाड़ी का भी काम काज है आपका? जी खेती भाई नहीं, दुकान पे रहते हैं सर। वो आपने बताया था जी, तो बाजार में रौनक है अभी, चहल पहल है? जी चल रहा है, कुछ कम है, चहल पहल कम रहती है क्योंकि कोरोना वायरस से सर। जी जी, और सतर्कता जरूरी है, चहल पहल अगर कामकाज के सिलसिले में हो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन लोग सावधान सतर्क रहें, भीड़ भाड़ ज्यादा इकट्ठा न हो और मास्क का प्रयोग करें और टीका सभी लोग जरूर लगाए, हम सभी से कहते हैं। और अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं इस कार्यक्रम में? सौगंध फिल्म का सुना दिया सर। इसका कौन सा गाना? लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे। और गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में है, आइए सुनते हैं ये गीत। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद बहुत। हमारे खाएंगे
हमारा होगा। नाम हमारा होगा प्रेम ग्रंथ के हर पन्ने पर नाम हमारा होगा। कुछ ऐसा कर जाएंगे हमें लोग भुला ना पाएंगे। लैला को भूले जाएंगे मजनू को भूले मजनू को भूल जाएंगे। जब तक फूल खिलेंगे इस बदल के रूप बदल के हम धरती पे मिलेंगे। भेष बदल के रूप बदल के हम धरती पे मिलेंगे। मजनू को भूल जाएंगे लैला को भूल जाएंगे मजनू को भूल जाएंगे। आने वाले प्रेमी अब बस में हमारे खाएंगे। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर हेलो फोन इन फरमाइश। जी स्वागत है। थोड़ा सा तेज बोलें या फिर थोड़ा सा ख्याल रखें कि आवाज ठीक ठाक आए आपकी। जी ईदगाह मुछट्टा वार्ड रामनगर बनारस से नियाज अंसारी बोल रहा हूँ। नियाज जी और इलाका तो आपका जाना पहचाना है लेकिन आपसे हमारी लग रहा है बात पहली दफे हो रही है क्या? जी नहीं आपसे हमारी बात ये तीसरी दफे हो रही है। हाँ लेकिन कामकाज ठीक ठाक चल रहा है? खटपट की आवाज आ रही है। जी बनारसी साड़ियाँ बन रही है। तो अब तो शादी ब्याह का सीजन है साड़ियों के सिलसिले में तो कारोबार ठीक ठाक चल रहा होगा? जी पहले से तो बहुत बेहतर है। इस समय तो कुछ ठीक चल रहा है। अभी जब से लॉकडाउन खुला था तो बहुत बुरे हाल थे। अभी लगभग एक महीने से ठीक ठाक है कुछ। और कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? जी इस वक्त तो भाई ठीक ठाक चल रहे हैं। हालांकि बहुत खराब हो चुका था माहौल इस समय। जी आप तो कुछ ठीक है। अब अच्छा लग रहा है सुनने में भी सुनाने में भी। और कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें कार्यक्रम में? जी कार्यक्रम में आज सुना दीजिए धर्मेंद्र साहब की फिल्म है सल्तनत। सुरेश वाडकर जी की आवाज है। गाने के बोल हैं तू है कमाल मौला। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर की आवाज जैसा आपने बताया। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। ऐ मालिके
तेरी जमीन तेरा करने
से क्या मिला कोई पहचाने ना। तू है कमाल माला, तू है कमाल, तेरी कुदरत कमाल, तेरी सल्तनत कमाल। कार्यक्रम हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत। हाँ सर जी, नाम क्या है आपका? हमारा नाम विजय विश्वकर्मा, कुरचंदपुर भंडारी जौनपुर से बोल रहा हूँ। जौनपुर में मौसम कैसा है और विजय जी आप करते क्या है वहाँ पर? मैं सर जो है कि खेती बाड़ी थोड़ा मोड़ा कर ले रहा हूँ। इस समय फूल गोभी का सीजन लगा उगा रहे हैं। जी जी, तो ये जाड़े में ये फसल आएगी आपकी, इसका मतलब? जी जी जी। और इस बार तो फूल गोभी गर्मियों में भी बहुत तादाद में मिल रही है और अभी भी तो वो सब बाहर से सर आता है ना, ये सब लोकल है, ये दिसंबर दिसंबर तक रेडी हो जाएगा। जी जी, और तो देख रेख करनी होती है अभी, यानी मुख्यतः सब्जियों की ही खेती करते हैं? जी 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 जी, सीजनल जो है कि सीजन जो जिस चीज का रहता है वो। और आपका नजदीकी बाजार कौन सा है? नजदीकी बाजार सर कोतवाली चौराहा, चहासू चौराहा, उलनगंज, यही सब है। जी। और रेडियो सुनते हैं, प्रोग्राम कैसे लगते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम? रेडियो का तो सर जो है कि एक घंटा तो मेरा सुबह जो है भूले बिसरे गीत और हम है राही प्यार के, ये सब तो बहुत प्यारा, समझ लीजिए लोग खड़े हो जाते हैं रास्ते में, हमारा पाही है। जी जी, लोग खड़े हो जाते हैं सुनने के लिए कि भैया ये कैसेट में कहाँ कहाँ से गाना। हमने कहा भैया ये रेडियो एफएम वाराणसी का प्रोग्राम चल रहा है और कैसेट वैसेट से नहीं हम बजाते। ये तो अच्छा है कि चलिए आपके जरिए ही गली मोहल्लों तक, गांव-गांव तक ये पहुंच रहे हैं हमारे पास। हमने एक स्पीकर जो है खिड़की पे लगा रखा है कि खेत में काम भी करते रहे वो प्रोग्राम भी सुनते रहे। बहुत बढ़िया। देखिए रेडियो की यही खासियत है कि आपको कामकाज में सहयोग ही करता है, कभी बाधक नहीं बनता। सर, हम जो है 35-40 साल रेडियो का काम कर चुके हैं, इसलिए हम सब अपने हाथ से एडजस्ट करके रखे हैं। लोग ललचाते हैं कि हमारे यहाँ भी हो जाए यार, हमारे यहाँ भी हो जाए। आप मिस्त्री आदमी, आप तो सेट कर लेते हो। तो कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें अब? गीत सर सुनवा दीजिए पुरानी फिल्म से कोई। सर एक फूल दो माली का कर दीजिए। जी, वो सैया ले गई जिया मेरी पहली नजर। पहली नजर, और ये आशा भोसले की आवाज है। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। शुक्रिया, नमस्कार। ओके सर, नमस्कार। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, वो सैया ले गई जिया तेरी।
कार्यक्रम। हेलो, फोन इन, फरमाइश। नमस्ते। मैं नगर पंचायत गंगापुर वासी से अमजद खान बोल रहा हूँ। अमजद खान जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या हालचाल है और मौसम कैसा है आपके यहाँ? मौसम तो ए वक्त थोड़ी थोड़ी धूप निकली है। और ये धूप जो निकल रही है बारिश के मौसम में, ये बहुत ही तेज तल्ख होती है और अगर जरा भी सावधानी न बरती जाए तो परेशानियाँ आ जा रही हैं। हाँ जी, सर्दी हो जा रही है इस जी, मौसम जी। में। और प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आपको? जी बढ़िया लग रहे हैं। और कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में अभी? पुलिस और मुजरिम, उसका गीत है दिल घबराता है आंख भर आती है। दिल घबराता है, कुमार सानू की आवाज है और ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी पसंद पर। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। दिल घबराता है आंख भर आती है, दिल घबराता है आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है आंख भर आती है, श्रोताओ। ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आपको फोन करना है मंगलवार को सुबह में 10:10 से। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 222-1052। अगर ये फोन किसी कारणवश काम न करे तो आप हमें 2221050 पर भी फोन कर सकते हैं। एसटीडी कोड वाराणसी का है 0542 अर्थात 0542। और अब आज का प्रोग्राम खत्म करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। दिल घबराता है आंख भर आती है, घबराता है आंख भर आती है।
हंसो हंस के इधर, अब तो हंसो हंस के इधर, देखो ना दिल घबराता है आंख भर।